वेलकम बैक टू क्लासिक वे ऑफ लर्निंग वेयर यू गेट लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले क्लियर करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो से इसलिए देखते हैं कि यार यहां पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो पेपर में आते हैं, तो यहां पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, पढ़ तो बाद में लेंगे। तो ठीक है यार, आई जस्ट वर्क आउट फॉर यू गाइस। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और इस बार क्वेश्चंस आपके लिए है, दैट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आप में कैसा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम, ऑफ करिकुलम। हाँ सर, पेपर सेकेंड ईयर का है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, कई कोर्स कंटेंट वेरी करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर के कोर्स कंटेंट वेरी करते हैं, प्लीज मैच कर लो यार, प्लीज पूछा मत करो। मैंने आपको बिना आंसर दे रहा था, प्लीज चेक द कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट मैच कर रहे हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को कर लो। अच्छा, ये उनके लिए स्पेशली है जो लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। तो यार मैं अपने जैसे को ध्यान जनरली रखता हूं कि यार ये क्वेश्चंस कर लो यार, प्लीज यू विल गोइंग टू क्रैक द मैक्सिमम्स एंड दैट्स आर इजी, नॉट आर टफ। आई मस्ट दैट टफ तो नहीं है कि आपने कहा मैंने हर यूनिट से तीन चार क्वेश्चन दिया मैक्सिमम, वो तीन चार क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ओ, जो दूसरा काम करते ना प्लीज, वो तीन चार क्वेश्चंस मत बनाना यार, प्लीज ये कर लो, प्लीज डोंट मेक दीज क्वेश्चंस, दैट्स ऑल वेरी इजी। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, व्हाट इज द वे टू क्रैक, मैं आपको बताऊंगा। आप हैं राहुल शर्मा के साथ, आपका दोस्त और फ्रेंड, जो यहां बताएगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें करने जरूरी है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ करिकुलम। आप कैसे नॉलेज ऑफ करिकुलम पेपर है, हमारा सेकेंड ईयर पेपर है, स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं पहले बना ही देते हैं कि चार से तीन दिन हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो दे गोइंग टू वर्क आउट। सो दिस इज क्लास फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू क्रैक द मैक्सिमम मार्क्स। Let's start up the class. The first question: What is teaching? What is teaching? याद है ना, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हो वो पहले से वीडियो देखी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था। What is teaching? What are the teaching skills? Describe. Confirm paper मिलेगा, क्वेश्चन याद रखना, नहीं किया तो बाद में बोलना सर ये लो क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में कंप्लीट आपको मिलेगा पेपर में। That is what is teaching and what are the teaching skills? Describe. Number two, discuss the educational philosophy of Mahatma Gandhi. Please दो याद रखना, एक महात्मा गांधी, दूसरा टैगोर, एक पेपर में दिखने वाली है कंफर्म। क्वेश्चन था discuss the educational philosophy of Mahatma Gandhi और टैगोर, इन दोनों से एक कंफर्म मिलने वाली है यार, प्लीज चेक आउट करो, प्रिपेयर करो इसे। नेक्स्ट वन, What do you mean by non-formal education? क्या है non-formal education? कब शुरू हुई? Explain करो, detail बताओ। This is really required question जो हमें on tip चाहिए। Jump to the next question. Short on learning and training. Learning और education भी हो सकता है, teaching और education भी हो सकता है। Please ये कर लेना यार। Sir सब कुछ involve कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बड़ा भाई। I'm just talking about the certain questions. प्लीज रूल आउट दोज एंड दोज हु थिंक कि सब कुछ ही बता दिया, प्लीज स्टॉप वॉच वीडियोज यार, तुम लोग सब कुछ ही सोचते रहना है, यहां कुछ में ही सब कुछ हो जाएगा। सो प्लीज वर्क आउट नाउ। नेक्स्ट वन, स्किल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट, क्या है रीएनफोर्समेंट, कैसे काम करती है, कौन से पॉइंट्स है जिनको क्लियर करना जरूरी है, दैट्स अ स्किल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट। कैसे करता हूं मैं, किस तरह रीएनफोर्समेंट, रीएनफोर्समेंट समझते हो ना क्या होता है, प्लीज वर्कआउट करो उसको, पेपर में हेल्प करती है। और याद को बीएड के हर पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा होता है ये हमने उस पेपर में पढ़ा हुआ चीज वही है, एक साल के कोर्स को दो साल में बांट दिया इन्होंने, तो करना क्या था, वही चीज अलग अलग पार्ट्स में दे देंगे। हम वो सब पढ़ने वाले हैं इस पेपर में जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इट्स इजी टू क्रैक गुड मार्क्स। अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ना शुरू किया तो कोई लेट नहीं हुआ यार, यू कैन वर्क इट स्टिल गुड मार्क्स। नेक्स्ट वन, नंबर टू, यूनिट नंबर टू, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, याद आया फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, एक्सप्लेन इट्स रोल इन सोशलाइजेशन, इसका रोल सोशलाइजेशन में क्या है, कैसे डील करेंगे वो आपको बताना है, यू हैव टू टेल दैट। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन एजुकेशन, याद है कुछ एस सी एस टी ओबीसी उनको कैसे हाईलाइट करेंगे, हाँ ये उन्हीं की बात कर रहा है। What do you mean by the equality in education? Why it is required in India? Answer मिल गया आप लोगों को यार, I hope so. So यहाँ पे वो answer की बात की गई। I'm not against the SC, ST or OBC, sorry यार, they are all been our brothers. लेकिन यहाँ पे education provisions क्या थे? उन provisions को ये mention करना है, how they are going to work it out.
that all is very important. Next one, what do you mean by democracy? Democracy kya hai? What do you mean by democracy? And what is the democratic concept of education? Ye matter karta hai, democratic concept of education kya hai? Then what should be the aims of education in democracy? और एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर ये हमें बताना है वी हैव टू टेल दिस दिस ऑल रियली दैट आई वांट यू पीपल टू डू सो ये थे तीन क्वेश्चन यूनिट थर्ड से नहीं सर यूनिट टू से अब हम करेंगे शॉर्ट नोट रोल ऑफ स्कूल इन नेशनल इंटीग्रेशन याद किया आपने क्वेश्चन याद आया फर्स्ट में क्वेश्चन पूरा पड़ता द रोल ऑफ स्कूल पेपर वन में पढ़ा था हमने अच्छे से दैट इज द रोल ऑफ स्कूल इन नेशनल इंटीग्रेशन तो स्कूल का रोल बताना है नेशनल इंटीग्रेशन में नंबर टू इंपॉर्टेंस ऑफ आई रिपीट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन सर ये तो जनरल क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ऐसा लगे आर्टिकल लिखवा रहे हैं हम आर्टिकल ये भाई यू हैव टू प्रिपेयर कैसे करते हो क्या चेंजेस आते हैं व्हाट आर द बेसिक टर्म्स यू नीड टू अफोर्ड एंड आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू वर्क हार्ड इट्स अ इजी पेपर एंड आई रियली नो दैट यू आर एबल टू स्कोर मैक्सिमम इन इट Jump up to the next part, that is the unit 3rd of this paper. And the first question, what do you mean by the curriculum at different levels of national, state or school? Sir, curriculum alag alag value karta. National level pe alag, state pe alag aur school pe alag. To hume batana usko. How it all been work out? Ye yaad rakhna, ye unit sirf curriculum pe based thi. To second question tha, what do you mean by curriculum development? Curriculum development se aapka matlab kya hai? कैसे डेवलपमेंट करते हैं डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वो मॉडल्स बताने अब यहां पे वे ऑफ आंसर चार्ट चार्ट के बाद पॉइंट्स पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये रहेगी वे ऑफ राइटिंग आंसर नंबर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज शॉर्ट नोट्स फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन क्या होता है उसकी डायमेंशंस क्या है उन्हें बताओ एक्सप्लेन करो डिटेल में दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट Next one, phases and RP, the phases and the steps in curriculum development. Phases, alag alag phases. Teaching phases nahi bol raha hu, alag pe bata. It's the phases and steps in curriculum development. So curriculum development ke liye kya phases hain? Unko workout karo. I hope you people are getting. And saath mein likhte ja rahe hain, please. Baad mein ye message karna hai sir, board pe saaf likhna hota hai. Isliye aaram se ek ek do do baar bol raha hu. Please saath saath likho. That will be very helpful. Unit 4, last unit of this paper. The first question, what are the functions of school library? Say school library, kya important uske functions kya hai? Explain karo. Please yaad ko school library ke functions kya hai, pehle uska role kya hai, uske functions kya hai, usko pura explain karna hai aapne. Next number 2, what is national curriculum framework? Sir, ye question toh bahut important hai, iska bahut suna humne. National Curriculum Framework, that's rule, both important. Discuss the need and objective. Discuss its need and objective. Short note pe NCF National Curriculum Framework 2005 on tip lena is in a short note or long question mein milega aapko. To National Curriculum Framework 2005 pehla diya maine. Number 2, Laboratory Work. What is Laboratory Work? Kya hai Laboratory Work? Kaise kaam karte hain? Kya kya cheeze hain jo hame aani chahiye? Then फील्ड सर्वे व्हाट इज फील्ड सर्वे सर फील्ड सर्वे क्या होता है कैसे काम करते हैं और यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आई थिंक मैक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट द होल कोर्स ऑफ पर्टिकुलर पेपर आपने कभी सोचा कि अगर इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं तो हम पेपर को क्रैक कराते हैं इजीली क्लियर भी कर लेते हैं तो सर सिर्फ इन क्वेश्चन में बेस करते हैं प्लीज डोंट बेस ऑन दीस क्वेश्चंस मैंने ये नहीं कहा कि मैं पेपर बनाता हूं मैं सिर्फ पेपर गेस करता हूं मेरे गेस चेक कर सकते हो आप पूरे एमडी यूनिवर्सिटी के जितने ही पेपर आए 100% पेपर मेरे गेस से आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पेपर बनाया आई अगेन से दैट इट्स जस्ट अ गेस एंड आई जस्ट गेस फॉर यू पीपल एंड वांट यू पीपल टू डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर एंड रिमेंबर वन थिंग आई डोंट प्रेफर द शॉर्टकट्स आई जस्ट वांट यू पीपल टू डू एवरीथिंग So that it can be used ahead
आगे यूज हो जाएगा यार। हाँ सच में यूज है, कई चीजें यूज होती है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो आगे आपने सी टेट देना है, आप एस एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस एस सी के लिए पेपर के लिए जा सकते हैं, और डी एस एस बी के एग्जाम्स आने लगे उसके लिए जा सकते हैं, नेट की प्रिपरेशन करेंगे, इन सब की प्रिपरेशन की वीडियोज मैं डालता हूँ। तो अगर आपको आगे आइडिया है कि मेरे को जाना है, सोचा है करना है, तो प्लीज वर्कआउट सिंसियरली। बी एड में बहुत कुछ ऐसा है जो आगे काम आता है, जनरली नेट में भी काम आता है, सी टेट में, टेट में, इवन सेट में भी काम आता है, तो वहां पे सब कुछ बेनिफिशियल है। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर स्टडीज। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई रियली होप दैट यू आर गोइंग टू क्रैक योर पेपर एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सिर्फ तुम लोगों के लिए यार। और प्लीज वर्क एंड वर्क टिल यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। बाय गाइस।